अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में दी शिक्षियान स्कूल की रिक्रूटमेंट देखेंगे। ये काफ़ी अच्छा रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है और एफिलेटेड है CBSE और गुड़गांव में है ये स्कूल, हरियाणा में। आप किसी भी स्कूल में, अगर रेप्यूटेड स्कूल में अगर काम करना चाहेंगे तो आपको एक्सपीरियंस के तौर पर ये मांगते हैं कि आपने इससे पहले CBSE स्कूल्स में काम किया हो। और क्योंकि ये एफिलेटेड है CBSE स्कूल से, अगर आप स्कूल स्विच भी करते हैं या इन फ्यूचर किसी और स्कूल में आप अप्लाई करते हैं तो ये एक्सपीरियंस आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि ये एक एफिलेटेड रिकॉग्नाइज स्कूल है और आपका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा आएगा। आपको ये स्कूल ज्वाइन करके ये पता चलेगा कि एक स्कूल काम कैसे करता है और आपको इसमें काम करना कैसे है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, तो हम इसमें सारे फिजिकल एजुकेशन के रिक्रूटमेंट कवर करेंगे और मैं सारी वो डिटेल्स कवर करूंगा जो आपका हेल्प करेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं PRT, TGT ये सब में ऑल सब्जेक्ट्स का रिक्रूटमेंट है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का इसमें रिक्रूटमेंट हो रहा है, उन्होंने एप्लीकेशंस मांगी है, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फिजिकल एजुकेशन का। तो आप यहाँ देख सकते हैं को स्कोलास्टिक सब्जेक्ट्स में इन्होंने फिजिकल एजुकेशन का एक सब्जेक्ट रखा है, यानी आप एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर काम कर सकते हैं इस स्कूल में। क्योंकि को स्कोलास्टिक सब्जेक्ट है तो आपके पास मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है विद मिनिमम 50% मार्क्स तब आप इस स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर पोस्ट। अगर आपके पास उससे हायर डिग्रीज है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट्स के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है या उन्होंने कहीं अच्छा अचीवमेंट है उनका स्पोर्ट्स में, तब उनके लिए ये बहुत अच्छा, उनको प्रेफरेंस मिलेगा ये सारे अचीवमेंट्स के साथ, वो एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर स्कूल में काम कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू करा रहे हैं, इसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है। और टाइमिंग जो है वॉक इन इंटरव्यू का वो है 9 AM to 1 PM, सुबह 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक आपको वॉक इन इंटरव्यू होगा। इसमें कोई डेट मेंशन नहीं है, यानी आपको स्कूल आवर्स में जाना है कि या फिर वो एक डेट दे देंगे, उस डेट पे आपको रिपोर्ट करना होगा अपने इंटरव्यू के लिए। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड तो इन नंबर्स में आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ये उनका हेल्पलाइन नंबर है या ऑफिस नंबर भी हो सकता है, आप इसमें कॉल करके अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और आपको एक और काम करना है कि आपको अपना अपडेटेड रिज्यूमे इस ईमेल आईडी में आपको सेंड कर देना है, contactprincipal123@gmail.com। आपको इस ईमेल आईडी में अपना अपडेटेड रिज्यूमे भेज देना है, जितने भी आपके अचीवमेंट्स हैं, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, आपके ग्रेड्स, आपका एक्सपीरियंस, सब आपको उस रिज्यूमे में दे के अब इनको भेज देना है, ईमेल कर देना है। फिर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, अगर आपका CV एक प्रॉपर ऑर्डर में हुआ, आप लायक हुए कि आपको स्कूल का पोस्ट दिया जाए, तो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे फॉर दी फर्दर प्रोसेस, यानी आपको डेट दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो जैसे ही आप अपना CV उनको भेज देंगे वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए, आपको कौन से डेट पे आना है। टाइमिंग यहाँ मैंशन है, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक आपको जाना है इंटरव्यू के लिए। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप इस फॉर्म को भर पाएंगे फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो हमने इसमें सारे डिटेल्स कवर कर ली हैं दी शिक्षियान स्कूल की, काफ़ी अच्छा स्कूल है, आप इस स्कूल में ज़रूर अप्लाई करें अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये सारे परमानेंट पोस्ट हैं, सैलरी भी अच्छा खासा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में वो सारे डिटेल्स कवर कर लिए हैं जो आपको हेल्प करेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। ये स्कूल दी शिक्षियान स्कूल काफ़ी अच्छा स्कूल है, काफ़ी रेप्यूटेड स्कूल है। तो अगर आपने हमारे चैनल पर पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को जाकर देख लें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली अपडेट्स देते रहते हैं फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्रिपेयर वेल एंड ऑल दी बेस्ट।